हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके अपनी हमारी ये सेकेंड वीडियो में, कर्नाटक एक्सप्रेस पार्ट टू। पहले पार्ट में हमने देखा कैसे हम भोपाल से निकले धीरे धीरे करके, एंड दो स्टेशन बाद आफ्टर हबीबगंज हमने अपनी ट्रेन वहाँ छोड़ दी थी। एंड आज हम फिर वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं दौंड की तरफ। ऑब्वियसली आज तो हम दौंड नहीं पहुँच पाएंगे, दौंड अभी बहुत दूर है। तो आइए अब हम अपना आगे का जर्नी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, हम ऑलमोस्ट अभी 87 किलोमीटर दूर हैं आपके अगले स्टेशन जो कि इटारसी है। और इस वीडियो में भी हम इटारसी तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर आपको घाट सेक्शन देखने बहुत मिलेंगे, जो मेन घाट सेक्शन पड़ता है भोपाल और इटारसी के बीच, भोर घाट, वो हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेन देखने को मिलेंगी जो क्रॉस होगी, कुछ स्टेशन देखने को मिलेंगे। सो आइए आपको दिखाता हूँ आज हम क्या क्या चीज़ें देखने मिलेंगी इस एक्टिविटी में। दूर में दिख रहा है शायद कुछ बिल्डिंग टाइप का कुछ है, आई गेस ना बिल्डिंग ही है, बिल्डिंग है बहुत सारी। धीरे धीरे बिल्डिंग दिख रही है, मतलब कोई तो स्टेशन आ रहा है, वो मेजर स्टेशन है, ये शॉर्ट स्टेशन है, डोंट नो पर स्टेशन आ रहा है, ये तो है। और ग्रीन सिग्नल भी हमें मिला हुआ है, कंटिन्यूसली ग्रीन सिग्नल ही है, जैसा कि आप टैकोमीटर में देख सकते हैं। मतलब कोई स्पीड का लोचा भी नहीं है इस वक्त, तो नहीं है कोई स्पीड लिमिट नहीं दिख रही है। और हम अपने वेब सेवन में भाएँ 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 करके भगा रहे हैं, स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, 120 है, मैं धीरे ही चला रहा हूँ फिर भी। पहला जो मैंने डाला था वीडियो कभी कुछ दिन पहले, दो तीन दिन हो या कल ही डाला था मैंने, तो मैंने उसमें एक्चुअली बोला तो आप लोग को बहुत बोला कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पर बाद में मैंने देखा यार कमेंट सेक्शन तो ऑफ है। एंड मैं ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के ऐसा किया हुआ, वो प्रॉब्लम ये आ गया था कि क्या बोलते हैं, जब मैंने अपलोड किया ये वीडियो तो उसमें किड्स सेक्शन वाला जो था वो, मतलब ऑप्शन आता ना कि किड्स के लिए है कि नहीं है, तो मैंने टिक मार दिया। मुझे क्या पता था किड्स वाला टिक करने से भैया कमेंट का ऑप्शन ही नहीं आएगा, और मुझे तो पता भी नहीं था ऑप्शन वाला नहीं है। वो तो मैंने जो क्रिएटर है इस एक्टिविटी के, भल्लू जी, उनको मैंने पहले लिंक भेजा था, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ तो कमेंट वाला सीन ही नहीं है, कमेंट कर ही नहीं पा रहे, तो मुझे लगा हो जाएगा भाई शॉर्ट। तो बाद में पता चला कि भैया यहाँ तो 13 साल के नीचे वाले वाला ऑप्शन हम कर दिए बेवकूफ़ी में, जिस चक्कर में नहीं हो पाया। चलो ठीक है, कोई नहीं, इस बार ध्यान रहेगा जब ये वीडियो अपलोड हो तब ऐसा कुछ ना हो। और अभी तक उसमें कुछ लाइक्स भी आए हैं पुराने वीडियो में, जो अभी इसके पहले जो पार्ट वन था उस वीडियो में। ठीक है यार, स्टार्टिंग के हिसाब से 3-4 लाइक्स हैं, ठीक है, बुरी नहीं है। अभी तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो इतने ही लाइक्स हैं, आगे देखते कितने आते हैं। और अभी हम धीरे धीरे अगले स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से आता है मंडी दीप। और ये हरा सिग्नल देखा मैंने, मतलब थोड़ी देर में कोई ट्रेन तो हमें क्रॉस करेगी, देखते हैं कौन सी ट्रेन आती है। ये हमारा कैब व्यू, यहाँ से देखने में अलग एक फीलिंग आती है, एकदम आप हैं ट्रेन चला रहे हैं, अलग ही फीलिंग है। यहाँ तो मेरे पास तो फिर भी लैपटॉप में मैं खेल रहा हूँ, जिसके पास और बड़ा मॉनिटर है उसको तो और ज़बरदस्त फीलिंग आती होगी। मतलब भाई आज तो हम ट्रेन ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइवर है, हम चला के रहेंगे। एक और हरा सिग्नल है, ये हरा सिग्नल आ रहा है पर ट्रेन कहीं नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, स्पीड बढ़ गई थी अभी इसलिए सेट करना पड़ा। स्पीड लिमिट 50 की आ रही है अब, देखिए ये ब्रिज सेक्शन आ रहा करके स्पीड लिमिट आ गया 50। ठीक है, एक्चुअल में रहता ही है, लेकिन उतना कभी कभी ना अपना फासला बता रहा हूँ, वो बार बार कम करो तेज़ करो कम करो तेज़ करो, थोड़ा होता है प्रॉब्लम, मतलब मेरे को तो लगता है। साउंड्स को तो मैंने पता है मेरे को कितना प्यार है साउंड से, लड़की हो तो शादी कर लेते हैं इससे यार, इतना ज़बरदस्त साउंड है इसका। और ये हम आ चुके हैं अपने ब्रिज सेक्शन पे, सीधे ब्रिज के लिए ही एक्चुअली ये 50 का स्पीड लिमिट रखा गया, शायद बहुत पुराना ब्रिज होगा इसलिए, मे बी नॉट। ये ट्रेन लगता है जो भी ट्रेन आ रही है ना लेट चल रही है, कोई यकीन है इस बात का, मतलब हम तो ठीक है ठीक टाइम पे ही चल रहे, उतनी
अब लेट चल रहा है सही टाइम पे चलो तो अगले स्टेशन आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन ये तो दावे से कैसा तो अगला ट्रेन जा रहा है वो बहुत ही लेट चल रहा है, और अब हमारा 120 का स्पीड लिमिट आने ही वाला है, बस ये अपनी आखिरी बोगी क्रॉस हो जाए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था ओपन रेल्स का ये जो चीज़ है थोड़ा इशू वाला है। अब देखिए आगे 120, अब देर कैसी बढ़ा देते एकदम स्पीड, साउंड तो सॉलिड है। और ये जो है ओपन रेल्स का ये जो मैं एमजी वाले वर्जन में खेल रहा हूँ जिस वजह से आपको जो क्लाउड्स वगैरह है वो दिख रहे हैं, नॉर्मल ओपन रेल्स में इतना सुंदर नहीं दिखता है, इसमें है सुंदर दिखता है एमजी में। रॉयल प्रिंस टाइप लग रहा था, रॉयल प्रिंस आ रहा है एकदम वेब 7। स्पीड भी ठीक है, धीरे धीरे मेरी बढ़ रही है। मैं सोचा कि ये जो वीडियो है पूरा इटारसी तक खींच देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर उसको एडिटिंग करना पड़ता है, वो फिर अलग मैं जो यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करने के लिए वो अलग टाइम खाता है कन्वर्ट होने के लिए, अपलोड होने में अलग समय है। तो सोचिए इसको पार्ट पार्ट ही करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। पिछला वाला तो आधे घंटे का वीडियो था, पर मैंने सोचा कि इस बार फिर आधा घंटा बनाऊँगा, घाटी सेक्शन अगर घुसेंगे भी तो आधा ही दिखेगा, तो सोचा मैंने कि यार अब आए हैं तो पूरा घाटी दिखा के ही जाएँ आपको। मेरी जब हम आ रहे हैं ओवरब्रिज दिखा, नॉर्मली स्टेशन के पहले रहता है, मतलब भैया अब आप स्टेशन आ रहे हैं, अब बिल्डिंग्स तो है ही, मतलब मंडी द्वीप पास ही है, पास गया मंडी द्वीप के आउटर में ही है, खुश रहे हैं। मंदी डीप इसे क्रॉस होते हुए सेंटर लाइन में ट्रेन क्रॉस हो रही है, अपने टॉप स्पीड में धीरे धीरे आ रही है। एक्चुअली टॉप स्पीड तो नहीं, जितना स्पीड दिया गया है उस स्पीड में लिमिट के हिसाब से। थ्रॉटल मैंने 100 पे कर दिया है। आहा साउंड सुनिए आप, साउंड जो है बात ही कुछ और है उसकी, वो देखिए दूर से दिख रहा है क्या है, पंचवली फास्ट पैसेंजर ट्रेन नंबर 59386 WDM। देखिए इसका धुआं ज़्यादा नहीं निकल रहा है, जिस चक्कर में इस ट्रेन ने हमारे लैपटॉप पे काला जादू नहीं किया। पिछले वाला अगर हमने देखा होगा तो थोड़ा FPS ड्रॉप मार रहा था, पर आज जो साहब जी हैं उतना धुआं नहीं निकाल रहे, इस वजह से आसानी से चला गया, अच्छी बात है मेरे लिए, सही बता रहा हूँ। ये क्रॉसिंग बहुत सॉलिड लगता है, और इसलिए जब ये क्रॉसिंग वॉसिंग आता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये वाला डोर व्यू दिखाऊं ताकि रियल फील हो। कैब व्यू में उतना नहीं लगता, क्योंकि ऑब्वियसली आप में से कोई शायद ही कोई ड्राइवर हो जो ट्रेन चलाता हो तो वैसी फीलिंग नहीं आती, लेकिन जैसे आप यहाँ दरवाजे के पास खड़े हैं या अपने कंपार्टमेंट में बैठ अपने सीट पे बैठे हैं तब लगता है हाँ क्रॉस हो रही, लगता है हाँ यार आप ट्रेवल कर रहे हो। ये शायद राइट साइड में कोई वेयर हाउस वगैरह, अरे यार मैं दबाता कुछ और हूँ, पहुँच कहीं और जाता हूँ, छोटे अभी यहाँ गए थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं। हमारा इनसाइड लोअर का बर्थ, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, मतलब अभी से कुछ और 4-5 पार्ट्स के बाद शाम होगी उस समय और अलग ही व्यू देखने को मिलेगा। अच्छा 4-5 पार्ट भी कम ही बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से, कि डॉन पहुँचते पहुँचते तो गेम के मुताबिक रात हो जाएगी, ऑलमोस्ट शाम या रात ऐसा कुछ, मैंने माना भी शायद शाम रात होगी। बारह घंटे का तो ये है, 12 से 13 घंटे का याद नहीं आ रहा मेरे को ढंग से, पर शायद 12 से 13 घंटे का ये हमारा एक्टिविटी है ये वाला। तो मतलब आपको सनराइज़ तो नहीं, ऑलमोस्ट सनराइज़ का टाइम था लेकिन सनराइज़ नहीं दिखा इसमें,
बस सनसेट आपको अच्छे से देखने वाला, सनसेट और थोड़ा सा रात का भी सीन आपको देखने को मिलेगा। और ये हम 110 के ऊपर के भगा रहे हैं अभी इस वक्त। या अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर कमेंट भी कर दीजिएगा, इस बार ऑन रहेगा कमेंट सेक्शन। और अगर पसंद है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वो बेल आइकन वाला दबाने नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे में है भी कि नहीं है, सही बताऊँ तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज भी नहीं है, अभी तक तो नहीं है, पर एटलीस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आए तो। और ये हम इटाया कलान कलान ही है ना, हाँ ये क्रॉस कर रहे हैं। अगर आपने से कोई सेक्शन में रहता है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि हाँ भाई देखो मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हारी ट्रेन मेरे यहाँ से जा रही है। स्पीड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे साउंड्स को सेट किया गया है, मतलब अगर आप 20 के नीचे हैं तो अलग साउंड है, 25 से 35 के बीच अलग साउंड है, 35 से 70 में अलग साउंड है, फिर जैसे आप 90 क्रॉस करेंगे 90 से 107 तक अलग साउंड है, उसके बाद एक अलग ही साउंड आता है। तो बहुत ज़बरदस्त साउंड दिया है, मुझे नहीं पता किन्होंने दिया, पर जिन्होंने भी दिया बहुत ही सुंदर दिया है नो डाउट। और ये जो रूट है खंडेश रूट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप कैसे परचेस कर सकते हैं रमेश महाजन जी से, उन्होंने ही बनाया ये रूट को। ये भोपाल से आपका टॉन, फिर रिवर्सल में पुणे, इसके अलावा LTT बॉम्बे मतलब CSMT कल्याण से शनिगढ़पुरी का सारा है इसमें। इसके अलावा एक और श्योर नहीं हूँ, मैं खेला नहीं हूँ, पर शायद अहमदाबाद से सूरत या भरूच, श्योर नहीं हूँ, अहमदाबाद मैंने देखा है, मतलब खेला नहीं है मैंने, पर जो एक्टिविटीज़ उसमें कहीं मैंने अहमदाबाद देखा था, तो मैं श्योर अहमदाबाद तो है। और शायद उस सेक्शन को इस सेक्शन से जोड़ा जा रहा है या जोड़ा जा चुका है, ऐसा भी कुछ सीन है, पर मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि सही बता रहा हूँ, मैं वो नहीं खेला हूँ वाला सेक्शन। मैं खेलूँगा जिस दिन तो उसका भी वीडियो अपलोड करके दिखा दूँगा आपको, पता चल जाएगा आपको और अच्छे से। होता है ना मेमोरी इतना याद नहीं रहता, नहीं प्रैक्टिकली कोई चीज़ देख रहे हो, मानी आप सुना हुआ चीज़ याद रहे, देखी हुई चीज़ याद रहती है इंसानों को, लोगों को, तो वो वाला मैं किसी दिन अगर खेलूँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। वो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा आगे जाके बढ़ाते, भरोसा नहीं कब अचानक से स्पीड लिमिट ऊपर नीचे हो जाए। हरा सिग्नल है मतलब ट्रेन आ रही है, टाइगेट पता नहीं कौन सी आएगी, क्या पता, पता चलेगा जिससे से पहुँचेंगे हम आगे। अब मैं ज़्यादा अगर बोलूँगा हॉर्न से प्यार हो गया तो आप लोग समझोगे यार, नहीं पता क्या समझोगे लेकिन और मैं बढ़ाई नहीं करूँगा, पर सच्चाई है यार, बहुत अच्छा साउंड है। अरे साइड में ग्रीन हाउस वाला कुछ सीन लगा, चार किलोमीटर में एक और स्टेशन आने वाला है जो कि है उबैदुल्लागंज, उसके लिए हमको ट्रेन देखने को मिल जाएगी। तब से तो ग्रीन सिग्नल था बाजू वाले ट्रैक में, तब दिख नहीं रही है, अभी तक नहीं दिखी है, कब दिखेगी, क्योंकि पिछले वाली ट्रेन को भी क्रॉस किए हुए हो गया, समय हो चुका है। ट्रिक ठीक है, जैसे जैसे ट्रैफिक डाला गया उसे सब से आएगी।
बिल्डिंग्स दिख रही है, मतलब स्टेशन करीब आ रहा है। वो तो ट्रैक मीटर में दिख ही रहा है कि स्टेशन करीब आ रहा है, पर बिल्डिंग्स देख के अलग अलग आ पता चल ही जाता है, जैसे रियल लाइफ में जैसे होता है पता चल जाता है अपने को। और ट्रेन आ रही है, देखिए आ रही है, आ रही है, आ रही है। संपर्क क्रांति, आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मैप 7 के साथ। फिर कुछ दबा रहा हूँ, पहुँच कहीं और जा रहा हूँ और मेरा गेम लैग भी कर रहा है। ठीक है, हो जाएगा एडजस्ट, अपना ही लैपटॉप है, चला लेंगे काम। थोड़ा इसको कम कर देते हैं, थोड़ा क्या पूरा ही थ्रोटल अभी थोड़ा कम कर देता हूँ। इंसान को भूख लगी गया तो यहीं जाएगा ना पेंट्री कर में लेने, पर आप वीडियो पॉज करके कुछ लेने मत चले जाइएगा, खाने देख लीजिए थोड़ी देर बाद फिर चले ही जाइए ना। सिग्नल है दो येलो, मतलब एक और देखने को मिलेगी बहुत जल्द, कितना जल्द वो तो पता चलेगा थोड़ी देर बाद हमें। अस्सी का स्पीड लिमिट है, आ रहा है, मतलब हम धीरे धीरे घाटी सेक्शन के करीब पहुंच रहे हैं। घाटी पहुंचने पर ट्रेन दिखेगी कि नहीं दिखेगी, मतलब जिस हिसाब से ट्रेन धीरे धीरे आ रही है उम्मीद तो है कि शायद दिख जाए, नहीं पता कौन सी ट्रेन दिखे होगी पर शायद दिख जाए। वो ट्रेन धीरे चल रही है कि हम चल रहे हैं, भगवान चले। ये जो मैंने एरिया भी आपको दिखाया है गोल करके, पिछले गेम में मैं इसी एरिया का बात कर रहा था कि अगर ये आप हटा दें ट्रैक मॉनिटर तो आप डायरेक्टली उसमें देख सकते हैं कि अगला सिग्नल क्या है, एकदम टॉप से बॉटम तक है, ऊपर सबसे हरा, मतलब ही हरे ही सिग्नल मिलेंगे आपको, फिर धीरे धीरे हरा नीचे आते रहता है, फिर येलो पड़ो, फिर जैसे जैसे हरे नीचे आने लगते हैं मतलब वैसे से येलो लाइट्स आ रहे हैं आपके पास, अगर सबसे नीचे ला ले मतलब भैया सबसे आखिरी वाला का अप्रोच सिग्नल होने वाला है। पर ये तब भी यूज़ करें जब आपको पता हो कि भैया स्पीड लिमिट कब क्या आने वाली है, कब ट्रैक सेक्शन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है तभी, वरना आप हटा तो दिए ठीक है, अब कब ट्रैक डाइवर्ट हो रहा है नहीं, मतलब ट्रैक चेंज हो रहा है कब नहीं हो रहा है, वो फिर आपको पता लगाना मुश्किल है। और ये देखिए मालगाड़ी आ रही है, मालगाड़ियाँ जा रही है,
रियल लग रहा है ना, सच सच बताना रियल लगा कि नहीं लगा 2 मिनट के लिए? मतलब 2 मिनट के लिए है ही, लग ही रहा है वैसे तो। जैसे वो टर्निंग आया, दोनों ट्रेन जब ऐसे क्रॉस हो रही थी धता 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 करके, वो लगा तो हो गया 2 सेकंड के लिए कि यार मैं खड़ा हूँ या स्लैश खड़ी हूँ ट्रेन में, दरवाजे में, ट्रेन के दरवाजे पे खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। एकदम सांप की तरह ज़िगज़ैग कर्व, बहुत सुंदर कर्व। देखिए 80 का स्पीड लिमिट, कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा स्पीड को, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। घाट सेक्शन में आपको बार बार ब्रेक का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप ये एक्टिविटी खेलिए, कोई भी एक्टिविटी अगर खंडेश में खेल रहे हैं, जब आप भोपाल और ये इटारसी सेक्शन में हो, या फिर आप जब कसारा गढ़पुरी सेक्शन में होंगे, तो एक्सलेटर साथ अपने ब्रेक्स पे हाथ रखिए, क्योंकि एक्सलेटर मारने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी, क्योंकि वो अपने आप ही पूरा चल रहा है, चल ही रहा है वो, तो उसमें पूरा आपका कंट्रोल ब्रेक्स में रहेगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगा जैसे हम घाट सेक्शन में आएंगे, तो आपको और क्लियरली पता चल जाएगा वो चीज़। अभी तो 105 की स्पीड लिमिट आने वाली है, पर उसके बाद फिर 75 की आ जाएगी, तो बढ़ाएं ना बढ़ाए फ़र्क क्या पड़ता है, वापस उतने में आना। कितना अभी 80 का लिमिट है, कुछ देर बाद 75 का आएगा 3 किलोमीटर बाद। वो आखिरी स्टेशन होगा घाट के पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, पर मैं गलत हो जाता हूँ इसलिए पहले ही ऐड करता हूँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, यार कोई भी एश्योर नहीं हो सकता ना। तो 76 के स्पीड में चल रहे हैं, और इटारसी अभी भी 50.5 किलोमीटर दूर है, 50.5 किलोमीटर दूर है, और हमारे पास ऑलमोस्ट 50 मिनट है पहुंचने को। अभी 7:30 बज रहे हैं, 7:31 हो रहे हैं, ठीक है पहुंच जाएंगे टाइम से, क्या दिक्कत है। और वैसे भी हमारे इंडियन रेलवे बहुत लेट ही चलता है कई बार, तो अपन में एक लेट हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई। उम्मीद है अभी लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ट्रेनों पर शुरू होगी, तो तब कोई लेट वेट वाला कोई सीन ना रहे होपफुली, तब सारी ट्रेन राइट टाइम ही चले यार, क्योंकि अब तो सब 0 से शुरू होने वाला है, तो तब तो ट्रेन को लेट होने ही नहीं चाहिए। पर फिर भी कह नहीं सकते क्या होता है नहीं होता है। मैंने स्पीड बढ़ा दी है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया स्पीड क्रॉस कर लिए थे लिमिट, अब ठीक है 105 की आ रही है, पर जब तक वो तीसरी बोगी क्रॉस होगी 105 से, तब तक हम 75 ना पहुँच जाए। देखिए कर्व, यार है बरखेरा स्टेशन शायद, सिग्नल के हरा है, मतलब एक और ट्रेन देखने को मिल जाएगी घाट के पहले, एक और दिखेगी हमको। यस, कि घाट सेक्शन में ट्रेन दिखेगी तब सिग्नल रह नहीं रहेगा, तब ट्रेन का वाला कोई व्यू नहीं दिखेगा, लेकिन वो घाटी का व्यू बहुत सुंदर दिखने वाला है बॉस। बरखेरा स्टेशन, इतना भी गलत नहीं बोल दे रहा हूँ, सही निकल रहा है, अरे को सही नहीं निकल रहे, मैं ऑलरेडी एक्चुअली ट्रेन में देख रहा था बहुत पहले कि क्या क्या स्टेशन आते नहीं आते, तो ये तो थोड़ा ज्ञात हो गए थे। देखिए 105 का स्पीड लिमिट मैं चला ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता था जब तक हम आएंगे तब तक संडे वाला आ ही जाएगा, इसलिए मैं कम ही स्पीड में चला रहा हूँ। घाटी सेक्शन की तरफ पहुंच रहे हैं, अब स्पीड लिमिट पूरा ऐसे ही होने वाला है जब तक हम घाटी क्रॉस नहीं करते, घाटी ख़त्म नहीं करते, अभी तो शुरू होगी घाटी। जिस हिसाब से दोनों तरफ पेड़ है, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है घाटी आ रहा है, ये घाटी बुला रही है कर्नाटक एक्सप्रेस को अपने पास। स्पीड बढ़ गया, देखिए थ्रॉटल मेरा पूरा 0 है, तब भी स्पीड बढ़ रहा था, जैसे बताया आपको घाटी सेक्शन का ये होता है, अभी जस्ट मैं घुसा भी नहीं, जस्ट घुस रहा हूँ तब ये सीन है। आपको एक्सलेटर में कमांड कम, अपने ब्रेक में कमांड रखना पड़ेगा जब घाटी में घुस रहे हो तब, अब ऐसे निकल रहे तब भी ऐसा नहीं, तब भी रहेगा। देखिए 45 का स्पीड लिमिट दिखाया है हमारे ट्रैक मॉनिटर में, आने वाला है
मतलब समझो वहीं, समझ लीजिए वहीं से स्टार्ट हो रहा है घाटी वाला। देखिए मेरे राइट साइड वाला जो है पहाड़ पेड़ सब ऊपर जा रहे हैं, मतलब आ ही गया है यार। हमें ट्रेन देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हरा सिग्नल आया दिखाया था तो घाटी घुस रहे हैं। डाउटफुल लग रहा है, ये देखिए ट्रैक भी कटने वाला समय आ ही गया है। ट्रैक का कटना मतलब डिवाइड हो जाएगा अपन सिंगल लेन और वो दूसरी तरफ से आएगी घूम फिर के। घाटी स्टोर में हॉर्न वॉर्न बजा दिया मैंने, क्योंकि अक्सर घाटी वाटी में आपको बंदर बंदर बहुत दिख जाते, क्या पता कौन सा रास्ते में हो, मतलब रास्ते के रास्ता है ट्रैक पे हो, तो बजा दिए। सच को तो बजाने का मन किया इसलिए बजा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ट्रेन हमें दिखेगी नहीं, 45 तो आ ही गए, 2 किलोमीटर में आ जाएगा तब कहाँ दिखेगा, लग नहीं रहा नसीब होने वाला है। लग रहा है लैग कर रहा है मेरा थोड़ा सा, हाँ 18 FPS दे रहा था अभी। अरे आ गया आ गया आ गया, ट्रेन आ गया, मालगाड़ी आ गया। वैक 5 लग रहा है, क्या है वही है, वही वही वैक 5 ही है। बहुत गंदा लैग किया, अटक ही गया था, मेरे को तो लगा गेम क्रैश ना हो गया। गया कोल ट्रांसफर हो रहा है, पता कहाँ से ला रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। ये मैंने इसलिए ऐसा व्यू डाला है ना आगे ना पीछे सेंटर में, ताकि लगे कि है खड़े हैं। मालगाड़ी गई और अब हमारा घाटी सेक्शन शुरू होने वाला है, 1 किलोमीटर के अंदर आएगा। तो धीरे धीरे स्पीड कम करने कोशिश, स्पीड करने का काम शुरू करेंगे। थोड़ा सा और आ गया था सिग्नल क्रॉस कर लो उसके बाद। मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था कि अगर गेम और स्मूथ चलाना है तो शेडोज़ को बंद कर देने, तो बिल्कुल सर जी मैं वो करूँगा, पर ये एक्टिविटी अब शुरू कर चुका हूँ, एक बार ये एक्टिविटी ख़त्म कर ले तो अगले एक्टिविटी में शेडोज़ को बंद कर देंगे। तो बीच एक्टिविटी में चेंज करेंगे तो उतना पसंद ना आए क्या पता लोग, मतलब मुझे भी। देखिए ये अब है, अब हम सिंगल ट्रैक पर गए, मैंने स्पीड कम कर दिया और ये जो कट गया ये अब हम सीधा इससे मिलेंगे जब ये घाट ख़त्म होगा, मतलब होशंगाबाद के पास। ये रहा हमारा 45 के स्पीड का बोट और अब यहाँ से जो है स्पीड कम ज़्यादा होगी, कहीं 45 कहीं 65 कहीं तो इवन 25 भी आएगा, 25-30 फ्लक्चुएट बहुत करेगा घाट सेक्शन में करके। अब यहाँ आपको ना कोई ट्रेन दिखेगा ना कुछ, बस आप घाटी सेक्शन का मज़ा लेंगे। पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि भैया कमेंट, ये कमेंट्री करूँ कि नहीं करूँ बता दीजिएगा, तो उस पर तो डिसेबल था, इस बार बता दीजिएगा तो अगला वीडियो में उस हिसाब से करूँगा। जैसे मैंने कहा एक्सीलेटर बिल्कुल ना कि बराबर मारने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्पीड अपने आप ही इसमें बढ़ती है, जिससे कर पूरा आपको यहाँ पे ब्रेक पे कमांड रखना है और किसी पे नहीं। ब्रेक पे कौन, ऐसा नहीं कि आप एकदम ब्रेक लगा के आप 5 मिले आए तब वो ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने जो ट्रैक जो डाइवर्ट हुआ था वहाँ से ऐसा सांप की तरफ घूम घूम के आती है, स्पीड फिर बढ़ गई थी, फिर ऐसे घूम के वो उधर जानी थी कि वहाँ पर टनल टाइप टनल दिख रहा है।
नहीं पता कि पीछे से वो तो पसंद नहीं आ रहा, इसमें आ गया आ गया। सर देख रहे हैं मैं पूरा कमांड से ब्रेक पे रखा हूँ, एक्सलेटर में कोई कमांड नहीं डाला है मैंने, क्योंकि आपको एक्सलेटर मारना ही नहीं है। लेकिन तुरंत ब्रेक लगा रहा हूँ फिर रिलीज कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ रिलीज कर रहा हूँ, एकदम थ्रॉटल नहीं मार रहा। अभी ये खेली गई एक्टिविटी बल्लू जी ने जो बनाई है ये कर्नाटक एक्सप्रेस की, और अगर खेल के आप रिकॉर्ड करते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट में अपना लिंक दीजिएगा ताकि मैं भी आपका वीडियोस देखूं, आप मेरे वीडियोस देखो। वो देखते देखते पता नहीं चला कब मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सीड होता है, ठीक है मेरे से नहीं शायद सभी से होता होगा, मैक्सिमम सभी से होता होगा, तो अगर आपसे भी तो आप सोचेगा मत, ठीक है चलता है। पैसा ये नहीं कि एकदम ओवर लुक करके एकदम आ रहे मतलब ही नहीं करके एकदम भगाते रहे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा वो वाला, है ना। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अब कोई ट्रेन आपको एक स्टेशन में रोकनी है, एकदम फुल स्पीड में भगा रहे हो स्टेशन, जैसे घुस रहे तुरंत फिर इमरजेंसी ब्रेक मारे, तो आपको क्या लगेगा, रियल टाइम फीलिंग ही नहीं आएगा वो चीज़, ठीक है। तो ठीक सेम यहाँ पर भी ऐसे ही कीजिएगा, ये नहीं कि भैया स्पीड लिमिट है तो एक्सीड कर देते हो, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उसके बाद होगा आपको कि आप लाल सिग्नल में आगे खड़े हो जाएंगे, बॉर्डर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके आगे जो ट्रेन है भैया वो तो अपने वो तो स्पीड लिमिट के साथ ही चल रही है ना, आपने एक्सीड किया तो भैया फिर तब पेनल्टी आपको लगती है कि आप लाल सिग्नल में बैठ के खड़े रहो जब तक अगली ट्रेन जाती नहीं है। देखिए पहाड़ से हम ऊपर नीचे करके चल रहे थे, देखिए बाजू में एक और पहाड़ है, बाजू वाली ट्रैक जो है नहीं पता उस पहाड़ के बाजू से जा रही है, पहाड़ के अंदर से जा रही है, कहाँ से जा रही है, पर कहीं से तो जा रही है। देखिए 20 का स्पीड लिमिट आ रहा है आगे, मतलब वो घाटी में ब्रिज सेक्शन होगा तभी एकदम 20-20 का स्पीड आ रहा है, अगर नॉर्मल स्पीड जब चलते तब ब्रिज में 50 आता, खाड़ी में तो और ही कम आएगा। तो स्पीड को ड्रॉप करना पड़ेगा, 20 का स्पीड लिमिट आ रहा है, थोड़ा आगे जाके करते हैं, कर्व जैसे आएगा उसके बाद ही ब्रिज आएगा, आगे कर्व आ रहा है अगर आप देख पा रहे हो तो, क्योंकि चांसेस कम ही आपको दिख रहा हो। देखिए ये कर्व की बात कर रहा था, देखिए यहाँ से दिखाता हूँ आपको, काम क्या था, रिलीज नहीं किया ब्रेक, अप किया, अब बाहर से नहीं आना, मैं तो ऐसे ही आ गया, पर आप ऐसे मत आइए स्पाइडरमैन बन के। ये हमने पूरा अपने स्पीड को एग्जैक्टली 20 पे अब हम लाएंगे। देखिए यहाँ पे भी जो है मैं एक्सलेटर नहीं मार रहा हूँ, अपने आप ही स्पीड जो है बढ़ रही है, मैं बस अपना कमांड ब्रेक पे डालूँ। और ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ये 20 के बाद का जो ट्रैक साउंड हमको कितना पसंद है।
देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कुछ अगर अच्छा अगर आपको इसमें लगा या कुछ बुरा लगा तो उसको कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर हो सके तो। बाकी तो आप ही के हाथ में, आप ही बनाएंगे, आप ही बिगाड़ेंगे, किसे कुछ करना होगा तो मतलब बिगाड़ेंगे, मतलब उस सेंस में नहीं बिगाड़ेंगे, मुझे गलत मतलब मैं गलत सेंस में मत लीजिएगा मेरी बात को, जो मैंने बोला मतलब किसी को बनाना, किसी को क्या करना सब आप ही के हाथ में रहता है। तो मैं बस अभी नहीं, अरे यार कुछ ज़्यादा ही मैंने स्पीड कम कर दिया जैसे मैंने बोला इतना कम मत कीजिएगा ब्रेक, तब एक्सेलेटर मारना पड़ेगा जैसे मैं अभी मार रहा हूँ, थ्रॉटल डाला मैंने, ज़्यादा नहीं डालना था क्योंकि घाट सेक्शन है, अचानक से बढ़ जाता है फिर कमांड आपके हाथ में नहीं पकड़ लेता है, तो ज़रा सा डालिएगा, फिर जैसे अच्छा खासा लगे कि हाँ यहाँ से हो सकता है वापस उसको ड्रॉप डाउन कर दीजिए जीरो पे थ्रॉटल को, जैसे अभी मैं कर दिया। अब वो अपने आप अपना स्पीड बढ़ते रहेगा वो, और क्या। देखिए आ तो रहा है 45 का लिमिट, लेकिन हमको तुरंत 45 के स्पीड में नहीं जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था जब तक वो आखिरी बोगी तक नहीं जाएगी वहां से तब तक वो स्पीड नहीं आता है, लिमिट नहीं बढ़ती हमारी। इन फ्यूचर कभी ओपन रेल्स अगर अपडेट आता है तो मैं भाई चाहूँगा ओपन रेल्स के क्रिएटर इस चीज़ को थोड़ा सॉल्व करें, ये स्पीड लिमिट वाला। आई गेस सभी को इससे, सभी का तो नहीं पता, मुझे तो दिक्कत होती है इससे, तो मैं हटा दिया इसको आपका स्पीड बोर्ड स्टेशन वाला जो बता था अगला स्टेशन का भी लिए, ताकि थोड़ा घाट स्टेशन का मजा ले। ऑलमोस्ट हम आधा तो घाट पार कर चुके हैं, थोड़ा सा और बाकी है। हमारा स्पीड लिमिट का बोर्ड 45 वाला, सेक्शन में हॉर्न बजने का अलग ही मज़ा आता है। और जब आप सही में ट्रेवल कर रहे हो रात के समय, रात नहीं एक्चुअली जो अर्ली मॉर्निंग है सेक्शन में, अगर अर्ली मॉर्निंग के टाइम अगर आप ऐसे भोरघाट से क्रॉस हो रहे हो, ट्रेन से स्लो स्पीड में है, ऐसे ट्रेन की हॉर्न सुनने मिले, अलग ही बात है उसकी तो। मतलब वैसे भी सेक्शन गए तो मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मैं ये आपका कसारा गढ़पुरी सेक्शन वाला ट्रैवल किया हूँ ऐसे मॉर्निंग को, तो वो वाला बहुत ज़बरदस्त था। इसके अलावा ही आपका जब मैं पुणे से मुंबई जा रहा था उस समय भी मॉर्निंग को ऐसा व्यू मिला था, लोग तो सबको पता ही लोनावला घाट सेक्शन वाला जो है, लोनावला करजत वाला जो सेक्शन है, खंडाला करजत वाला, बस एक बोगी और फिर हमारा स्पीड लिमिट जो है वो बढ़ जाएगा, बस ज़्यादा देर के लिए नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट 5.5 किलोमीटर बाद फिर 25 की स्पीड लिमिट आएगी। ये देखिए ये जो ट्रैक जो मैं तब बात कर रहा था ये वहाँ से आ रही है, और यहाँ दो येलो सिग्नल्स हैं, मतलब कोई ट्रेन क्रॉस होगी पर उम्मीद कम ही है कि हमें देखने को मिलेगी।
पर ऐसे तो यहाँ से ट्रेन क्रॉस होते कितना सुंदर लगता, मतलब हम ऊपर वो नीचे, पैरेलल क्रॉसिंग देखने बहुत मज़ा आता, इस समय बहुत अच्छा लगता है। ये वाला हो गया, या फिर जब आप ब्रिज में हो, छोटी मोटी ब्रिज या बड़ी ब्रिज में हो, तो आप इधर से जा रहे हैं वहाँ से दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही है, दोनों ट्रेन ब्रिजेस ब्रिज में, अलग मज़ा आता है। देखते हैं किसी एक्टिविटी में तो नसीब हो ही जाएगा, ये वाला अभी तो नसीब नहीं हुआ, देखते हैं आगे होता है कि नहीं, क्योंकि घाट अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए 25 की स्पीड लिमिट आ गई, मैंने फिर ब्रेक तक लगा दिया, और एक्सीलेटर में जो है ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक पे ध्यान देना है आपने। काम करते हैं इस व्यू में रहते हैं, और ये ऊपर सामने वाली बिल्डिंग पे छत पे हम रुक जाते हैं। वो होता है ना ऑलमोस्ट स्टेशन वेशन के पास, जो नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे शायद हम ट्रैक वैक चेंज करने का करते हैं जो उस बिल्डिंग पे, या सिग्नल दिखाने का, मुझे अच्छे से पता नहीं है। तो थोड़ा उस व्यू का भी मज़ा लेते हैं, समझ लेते हैं हम वही हो रही, देखिए ट्रेन क्रॉस हो रही है, सांप की तरह लग रही है, सही बात है। और जब से ये जो नया कोच आया है आईसीओ, जो मतलब ब्लू थी, अभी इसका कलर है, देखिए व्यू देखते देखते ना, जब आप अगर आप भी ऐसे अगर व्यू देख रहे हैं, देखेंगे अगर खेलते हुए, तो व्यू के चक्कर में अपने ट्रेन का स्पीड मत भूलिएगा, ठीक है, उसको भी कंट्रोल में रखिए। ये नहीं कि व्यू देखते देखते भैया ट्रेन की स्पीड बढ़ गई, ओवर स्पीडिंग मत कीजिएगा। और ये हम आखिरी बोगी पहुंच गए, ये आखिर वाला पार्सल वैन, और चलिए अपन वापस आगे चलते हैं। ये बाजू अरहरा है, मतलब अभी तक कोई ट्रेन क्रॉस नहीं की, मुझे क्या पता गायब बीच बीच में क्रॉस कर ली हो, तो नहीं कैसे नहीं कर दिया, तो अभी कैसी बातें कर रहा हूँ। पर अब तो चेंज हो गया, वापस हम अलग अपने अलग आ गए, वो अपना अलग चले गए, क्या पता दिखेगी कि नहीं दिखेगी। अब शायद वहीं पे जाके देखने को मिलेगा जब घाट सेक्शन खत्म होगा, पर मैं श्योर नहीं हूँ। ऊपर ट्रैक लग रहा है, तो ट्रैक क्रॉस हो रहा है कि पैरेलल ही ऊपर हो वाले, पिछले व्यू से दिख रहा था एक्चुअली। ये तो बाजू में ही है, ये तो बाजू में ही है, क्या पता दिखेगी कि नहीं दिखेगी। पिछले बार तो अभी जो मैंने कहा कि हम ऊपर होते नीचे, अरे दिख गई कुछ और, मेरे तो शक वो भी मिल जाता। देखिए ये एक्चुअल में बहुत कम लोग को शायद देखने मिला, रियल फैंस को बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता होगा रियल लाइफ में। जो भी जो भारू जी ने एक्टिविटी बनाया है सर जी, रियल लाइफ में तो नहीं दिखा, लेकिन आपने गेम में दिखा दिया, थैंक यू सर जी, भारू जी को तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा मैं। पर मैं हम जो स्पीड लिमिट में चला रहे हैं तो और सुंदर लग रहा है, देखिए ख़त्म हो रहा है, मतलब ये पटरी ख़त्म हो रही है यहाँ से, देखिए लगता है ये है बहुत बड़ी वाली थी अभी, हाँ एंड तक ख़त्म नहीं हुई, नहीं हो गई हो गई, अरे बाप रे अच्छी खासी बड़ी ट्रेन थी, मालगाड़ी लग रही थी सही में, मालगाड़ी जा रही थी लंबी। स्पीड लिमिट हमें मिल गया है 65 का इस बार,
65 आ गया, मतलब अब जो है घाट धीरे धीरे जो है ख़त्म हो रहा है। देखिए करवाया, अभी उतना हाईफाई मैंने एक्सलेटर ना के बराबर ही है मेरी तरफ से। मैं अभी से ब्रेक पे ही कमांड डाला, एक्सलेटर मैंने दिया ही नहीं है। सर पता अल्लाह करे ना फ्रेंड में है इस वक्त, अगर आप ईयरफोन प्लग किया है फुल साउंड में देख रहे हैं तो आपको ज़रूर लग रहा होगा कि आप जो है वो ट्रेन में ही है इस वक्त होपफुली, क्योंकि मुझे तो लग रहा है। एक और कर्व, वापस कर्व करवा रहा लग रहा है। देखिए स्पीड लिमिट आ गया 120 वाला अगले 4 किलोमीटर में, मतलब अब जो हमारा घाटी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने के स्टेज पे आ रहा है। स्पीड लिमिट, जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हो व्यू का मज़ा लेते लेते स्पीड लिमिट मत भूल जाइएगा, बिल्कुल भी नहीं, याद रखिएगा स्पीड लिमिट एक्सीड नहीं करनी तो मज़ा नहीं आएगा। मतलब कर सकते हो अगर आप चाहो तो, पर मेरा रिकमेंड ये करूँगा कि मत कीजिएगा, तो फील नहीं है। अभी कुछ देर में हमको बाजू से पटरी दिखेगी, घाटी अभी ख़त्म हो ही गया है, बस ये आखिरी जो कुछ पहाड़ है जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है मतलब ख़त्म हो गया, फिर हमको दिखेगा दूसरी पटरी ज्वाइन कर रही है हमको मेन लाइन पे। देखिए मैं बना के आपको व्यू देखते थे, मतलब मैं खुद ही व्यू देखते थे भूल गया था। घाटी से निकलते निकलते हॉर्न बजाना तो बनता है ना बॉस, बस 3 किलोमीटर बाकी है ख़त्म होने में घाटी। उस तिरौले ब्रेक पे कमांड रखने, उसके बाद ब्रेक में कमांड पूरा ख़त्म, और फिर से थ्रॉटल पे कमांड हमारा जब तक कोई लाल सिग्नल या हमारा स्टेशन ना आ जाए, फिर स्पीड लिमिट वो तो बोल गया था। ये पहाड़ जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अब कुछ ही देर में हमको बाजू से दिखेगा रेलवे ट्रैक ज्वाइन होते हुए हमारे साथ। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं। ये घाटी हम निकल चुके हैं घाटी से, ये पटरी कहाँ है, हाँ दिख गया, दिख गया क्या, दिख गया, हाँ हाँ दिख गया, दिख गया, दिख गया ना, दिख गया, दिख गए, देखिए बाजू से आ रहे, बाजू से ये वाली ट्रैक, अब जब आप भोपाल जाएंगे इटारसी से तो ये वाला ट्रैक आप पकड़ेंगे, और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा एकदम पहाड़, जैसे आप कभी अगर पहाड़ भी जाएंगे बाय रोड तो कैसे zigzag होते हैं ना, वैसे ये वाला zigzag है। अब हमारा घाटी सेक्शन ख़त्म हो चुका है, देख लेते हैं सिग्नल कोई हरा आ रहा है क्या, हरा पीला कुछ, देखिए लाल समय है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। छोटे मोटे घर, एक स्टेशन है नाम मुझे नहीं पता,
लाइक और लाइक कीजिएगा ज़रूर, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा कि ये मेरी दूसरी वीडियो जो आप देख रहे हैं अब तक। के ऊपर भगाएंगे क्योंकि बहुत देर से नहीं भागा पा रहे। एक्चुअली मिल गए हमें और अब हम स्पीड बढ़ाएंगे और ये हम इटारसी से अभी 27 किलोमीटर दूर है। पर आज हम इस वीडियो में इटारसी तक कवर नहीं करेंगे, आगे जो एक मेजर स्टेशन आएगा थोड़ा बड़ा वहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे आज के लिए, बाकी फिर कल वहीं से कंटिन्यू रहेगा हमारा जैसे हम पार्ट वन में हमने ऐसा जैसे किया था। 20 मिनट में हमको 26 किलोमीटर कवर करना है, तब कहाँ हमको 50 में 40 कवर करना था ऐसे थोड़ा देर अभी से थोड़ा देर पहले जब इसमें 7:30 बज रहे थे और अभी एक चैलेंज है। पर ठीक है, इंडियन रेलवेज है, टाइम पे पहुँचने की आदत हमारी बहुत कम है, आदत हमारी लेट वाली है तो ठीक है। यही तो है रियलिटी वाली फीलिंग, तभी तो आएगी जब स्पीड लिमिटेड ट्रेन चलाएंगे तभी तो लगेगा हाँ इंडियन रेलवे ही आप काम कर रहे हैं। अरे ट्रैक दोबारा अलग हो रहा है, पर ऐसा ये नहीं है कि वापस कुछ घाट वाट या गुफा सेक्शन ऐसा नहीं है, आगे ब्रिज आने वाली है। दिलो तमन्ना यार एक बार मैं देखूँ यार हमारी ट्रेन है, बाजू से भी ट्रेन क्रॉस हो रही हो। इस एक्टिविटी में या किसी न किसी एक्टिविटी में तो हो जाएगा अपने को नसीब। स्पीड कम कर देता हूँ, ये आ गया हमारा ब्रिज। मुझे नहीं पता है कौन सी नदी है, अगर आप तो इस सेक्शन में रहते तो आपको पता होगा, बताइएगा कौन सी नदी है जो जहाँ से हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। पंजाब मेल दिख गई मैं जो भी कह रहा हूँ सब मिल रहा है। मुझे लगता है ना मुझे PS4 की भी डिमांड कर लेनी चाहिए थी, शायद वो भी मिल जाता मुझे। पंजाब मेल अरे पंजाब मेल निकलते हुए सुंदर तो लग रहा है, क्यों नहीं अपन निकल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट पूरी घुस रही है। ओके दोस्तों और करीब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेशन जो है नेक्स्ट स्टॉपेज स्टेशन होशंगाबाद, वहाँ पे हम ट्रेन को रोक देंगे, मतलब ट्रेन चलते रहेगी हम रुक जाएंगे आज के लिए, फिर हम अगली वीडियो में कवर करेंगे इसको। शायद आज ना मिले, अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हमको ट्रेन देखने को मिलेगी, कि अब जो है हमारा स्टेशन आ चुका है और अब हम यहाँ पे ट्रेन से कूदने वाले हैं। मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं कूदने वाले, पर आज का हमारा यहीं तक रहने वाला है।
चाहते हैं स्पीड कम थोड़ी करूँगा, स्पीड अपनी मेंटेन रहेगी भैया। दो येलो, एक मिनट दिख रही है क्या? नहीं 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 ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्टेशन आ चुका है होशंगाबाद, और आज का जो हमारा एक्टिविटी है हम यहीं पे एंड करेंगे, और फिर कल यहीं से होशंगाबाद के आउटर से कंटिन्यू करेंगे हम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कुछ चीज़ अगर अच्छी या ख़राब लगी तो उसे कमेंट कीजिए, बहुत पसंद है तो शेयर कीजिए, और मन हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए, या अगर ये एक्टिविटी आपके पास है तो आप खेलें और बताएं, अपना रिव्यू दें, और ये वीडियो रमेश जी से लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू, बाय।